नमस्कार दोस्तों, कांतास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको झटपट पाव भाजी बनाना बताती हूँ। ये मैंने सारी सब्जियों को देखिए एकदम बारीक काट ली है, बिल्कुल कच्ची सब्जियां हैं, इनको बारीक काट ली। इसके अंदर हमारे पास गाजर है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आपके पास जो भी सब्जियां हो आप वो ले सकते हो इसमें। और ये आलू मैंने थोड़े बॉयल कर लिए हैं और टमाटर की प्यूरी बना दी पीस के, कच्चे टमाटर ही हैं उनको मैंने पीस लिया। और ये बारीक प्याज काटे, पत्ता प्याज अभी सीजन है तो हरे पत्ता प्याज भी डाल रही हूँ। इसमें मैं नमक, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, पाव भाजी मसाला ये डाल के बनाऊँगी और बटर में बनाऊँगी इसको। बटर में बनाने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल आपको लगेगा कि हम बॉम्बे की पाव भाजी खा रहे हैं। मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है, गर्म हो गई, और मैं पाव भाजी लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। अब ये इतना इसमें बटर डाल दूंगी। बटर में आप है ना, आप इच्छा हो तो रिफाइंड तेल भी थोड़ा मिला सकते हो तो उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। बटर और रिफाइंड तेल मिला के बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं अभी खाने बटर में ही बना रही हूँ, अभी सर्दी की सीजन है, पाव भाजी खाने का मज़ा ही अलग होता है। अब मैं इसके अंदर ये प्याज जो है मैंने काटे हैं बारीक बारीक, इनको इसमें डालूंगी। और ये अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये सबसे पहले डालना मुझे। देखिए मैंने हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट जो डाला वो इसमें सीख गया ना। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ी लाल मिर्च पहले डालूंगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। हमें टेस्ट के अनुसार ही मिर्ची डालनी है। अब इसमें मैं ये प्याज डाल देती हूँ और इसी के अंदर हमारे पास जो पीसा हुआ घर का धनिया होता है वो डालूंगी। इसके अंदर प्याज के साथ ये मसाले सिक जाएंगे। तो यदि आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं भी हो तो भी चलेगा, आप घर के मसाले से भी बहुत अच्छी भाजी बनेगी। इसमें आप थोड़ी सी दालचीनी और डाल देंगे तो आपको पाव भाजी मसाले की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसमें ये प्याज मसाले सब सीख गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा बटर और डाल देंगे। फिर मैं इसमें थोड़े आलू डालूंगी कि आलू इसमें थोड़े सिक जाएंगे, उसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है ना सिकने के बाद, वो पाव भाजी का टेस्ट अलग ही लगता है। बहुत ही बॉम्बे वाली आपको पाव भाजी याद आ जाएगी खाने से। अब मैं इसमें ये थोड़ा पाव भाजी मसाला भी डाल रही हूँ, ये भी थोड़ा इसके अंदर सिक जाएगा। फिर मैं इसी में थोड़े ये आलू मैश किए हुए हैं इनको डालूंगी, थोड़े से अभी डालूंगी, बाकी मैं बाद में डालूंगी कि अब इसके अंदर अच्छे से सीख जाए थोड़ी। ये हरी जो पत्ता प्याज थी वो मैं डाल रही हूँ। अब इनके अंदर जितनी अपनी सब्जियां हैं ना वो सब मैं इसी के अंदर मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मैंने जो भी सब्जियां काटी थी वो सारी इसी में डाल दूंगी। थोड़ी सी इनको सीख के फिर इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी, ये फटाफट अभी तैयार हो जाएगी अपनी। और इसमें अब लास्ट में मैं नमक दूंगी, इसमें काला नमक डालना है, थोड़ा सेका हुआ जीरा डालना है, सादा टाटा नमक डालना है। आप सेंधा नमक खाते हो तो वो भी डाल सकते हो, नहीं तो वो नमक भी डाल सकते। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ तो जल्दी से हमारी ये सीज की तैयार हो जाएगी। ये करीबन हम लोग 8 से 10 मेंबर इतनी पाव भाजी आराम से खा सकते हैं। और इसको हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपकी।
अब देखें मैं इसमें ये हरी मटर यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, अभी सीजन है तो ये भी डाल रही हूँ। सब मैंने कच्चा ही सामान लिया है, किसी को भी मैंने स्टीम दे के नहीं पकाया है। एक हम लोग कुकर में बॉयल करके भी बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, लेकिन दोनों भाजी में थोड़ा टेस्ट का फर्क आता है। अब मैं इसके अंदर ये आलू डाल रही हूँ जो मैंने बॉयल करके ऐसे हाथ से थोड़ा मिक्स कर लिए, बॉयल किए हुए आलू थे उनको हाथ से थोड़ा मिक्स कर लिए, अब मैं इनको इसमें डाल रही हूँ। आलू मैंने ये पहले तो थोड़े डाल ही दिए थे उस टाइम, उसमें सेक लिए, अब ये जो इतने रखे इनको भी हम डाल देंगे। बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा ढक्कन लगा के सिझा लेते हैं तो फटाफट सीख जाती है। अब इसमें लास्ट में जो मैंने टमाटर पीस के रखे ना उनको डालूंगी, उससे एक तो कलर भी बहुत सुंदर आएगा, उसमें मैंने थोड़ा बीट रूट भी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है कि कलर बहुत सुंदर आए टमाटर की प्यूरी में। अब देखिए मैंने जो टमाटर पीस के डाला था ना रखा है, अब इनको इसमें डाल दूंगी। टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं कि हमें फिर पानी ज़्यादा नहीं लगा डालना पड़ेगा, इसीलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। इससे कलर भी बहुत सुंदर आएगा। अब पावा जी मेसर है उससे मैं इसको मेस कर लूँगा। अब इसको ऐसे पाव भाजी मिक्सर से हम लोग थोड़ा थोड़ा यूँ कर लेंगे। ये हमारी पाव भाजी बन के तैयार हो गई, देखिए हमारी पाव भाजी अब तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ये जो हरा धनिया काट के रखा ये इसमें डाल देती हूँ, हरा धनिया डालूँगी और नींबू का रस। इसमें करीबन करीब हमें दो नींबू का रस तो लग जाएगा, बाकी अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हो। ये देखिए हमारी पाव भाजी तैयार होगी, देखिए और कितना सुंदर कलर आया ना, इतनी ही खाने में भी ये स्वादिष्ट लगेगी। इसमें मैंने सब चीज़ों को बारीक काटी है, जितनी भी हमारे पास सब्जियां हैं उनको बारीक काट काट के इनको मैंने कढ़ाई में बटर के साथ इसको सिझा लिया, मैंने बॉयल नहीं किया कुछ भी। अब देखिए मैंने इसमें बटर डाल लिया, बटर में अब मैं इसको पाव को सेक रही हूँ। ये मेरी पाव भाजी बन के भी तैयार हो गई, इसमें मैं ऊपर से थोड़ा बटर और दूंगी तो बटर देने से और टेस्टी लगेगा। और ये पाव भाजी पाव सेक रही हूँ भाजी के लिए। अब मैं आपको मसाला पाव भी बताती हूँ कैसे बनाते हैं। उसमें हमने थोड़ी सी ये तवे पे भाजी डालनी है, थोड़ा मसाला डालनी है मिर्ची और ये, और फिर इस पाव को हम ऐसे करके सेक देंगे। जैसे मसाला पाव बहुत पसंद होता है सबको, तो इसमें मसाला लग जाएगा, ये बहुत खाने में टेस्टी लगेगा, बटर के साथ हमें सेकना है। मेरे वीडियोज आपको पसंद आए हो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारी ये बॉम्बे की खड़ी पाव भाजी बनके तैयार हो गई।